यह पावन पुण्यतिथि हमें पवित्र बना रही है। मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, सदगुरु की संगति, महापुरुषों की संगति हमारे अंतःकरण के मैल को धोने में सर्वथा सक्षम है, सर्वथा सक्षम है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाए, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाए, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है। तो महापुरुषों के आविर्भाव पर जब कोई सत्ता प्रकट होती है, या महापुरुषों के तिरोभाव पर जब वह सत्ता इस पृथ्वी लोक से गमन करती है, अमर लोक में स्थित हो जाती है, महापुरुषों के आविर्भाव पर, और केवल उनके अवतरण पर ही नहीं, महापुरुषों के तिरोभाव पर उत्सव, उत्साह, उमंग का माहौल ये हमारे देश की परंपरा में रचा बसा है। ये हमारे देश की परंपरा में है। हमने किधर का रास्ता देखा है, हमने कहां का मार्ग देखा है। जिन महापुरुषों ने, जिन आध्यात्मिक सत्ताओं ने उस परम ज्ञान का अनुभव किया, परम शांति का अनुभव किया, जिन महान सत्ताओं ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया, ऐसी महान आत्माओं का गुणानुवाद ही, ऐसे महान पुरुषों के गुणों की बारंबार वंदना करने से ही, बखान करने से ही हमारा जो अंतःकरण है, वह हमारा जो अंतःकरण है वह पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। तो हमारी परंपरा बड़ी समृद्ध है। जिसने हमें अध्यात्म को सहज रूप से प्रदान किया है, मैं बराबर कहता रहता हूं, निरंतर कहता जाता हूं, आज प्रथम परंपरा सद्गुरु देव की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर
इस बात को दोहरा देता हूं, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, साधना के फल स्वरूप हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। महापुरुषों के बताए पथ का अनुकरण, अनुसरण। शिष्यों के कल्याण का साधन है, हमने किधर का मार्ग देखा है। हमने अभी परम सत्य का साक्षात नहीं किया, मार्ग पर तो चल रहे हैं, पथिक चल रहा है मार्ग पर, अपने मार्ग पर चल रहा है। पथिक चलता जा रहा है, लक्ष्य दूर है, हमें परम सत्य का अनुभव नहीं हुआ, परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, तो क्या हुआ। हम उस मार्ग पर तो सदैव चल ही रहे हैं जो ज्ञान जो महापुरुषों ने हमें दिया है, जो सिद्धांत दिया है। कल्याण का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग यह है कि जो प्राप्त है महापुरुषों से उसका हम अनुभव कर लें। हम जान लें, हम ये जान लें कि हमें मिला क्या है। हम जान लें कि हमें मिला क्या है। हम इसका अनुभव कर लें। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि यह जीवन है क्या, यह जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। इसीलिए तो महापुरुषों का ज्ञान है, महापुरुषों का अनुभव। यह जीवन है क्या, हम इसे जान लें। यूं ही तो नहीं मिल गया। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, कर विचार मैं कौन हूं,
ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है, पर ये हमारा है नहीं। अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन इसको लेकर जा नहीं सकते। लेकर तो आ गए हैं, मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिला है। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, शरीर दृश्य है, इस दृश्य शरीर का इस दिखलाई पड़ने वाले शरीर का न दिखलाई देने वाला आधार है। इस जड़ शरीर का चेतन आधार है, इस मिटने वाले शरीर का, इस नष्ट होने वाले शरीर का नष्ट न होने वाला आधार है, नष्ट न होने वाला आधार है। शरीर विनाशी है, ये जड़ है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, वह अपने कारण में चली जाती है। सब कुछ बदल रहा है, यहां कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये सुख है, ये दुख है। ये जेठ की दोपहरी है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये अनुकूलताएं हैं, ये प्रतिकूलताएं हैं, ये जन्म है, ये मरण है, ये परिवर्तन है, यही संसार है। यहां सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे, सोच देखो, मित्र प्यारे, सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है।
जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। संसार में परिवर्तन है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। सुख और दुख का क्रम चल रहा है, जन्म और मरण का क्रम चल रहा है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ, शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ, अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। कोई गिनती नहीं है कब से। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चल रही है। एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। हमारे ऋषि कहते हैं छह प्रकार की गतियां हैं। जो इस शरीर के साथ हैं और जो कुछ भी इस शरीर के साथ है वही संसार के साथ हो रहा है। प्रथम गति कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर है उत्पन्न होता है, इसकी एक सत्ता है, ये बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता, घटना शुरू हो जाता है। अब और घट नहीं सकता तो नष्ट हो जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। वस्तु उत्पन्न हुई, उसकी एक सत्ता हुई, उसमें परिवर्तन हुआ, वो बढ़ रहा है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो अपक्षीयते, उसका नाश होने लगता है। और अंतिम गति क्या है, विनश्यति। जो शरीर के साथ है, जो शरीर के साथ है वही संसार के साथ है। अनादिकाल से आत्मा, कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। दो सौ करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही है। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है।